तो मैंने किसी भी तरह की हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करी, किसी भी तरह की का जो जिम वगैरह करते हैं ना लोग बहुत भागते हैं वो सब नहीं किया। कोई स्पेशल डाइट होता है ना कि अपनी लाइफस्टाइल से कोई स्पेशल चीजें हैं, बहुत सारा फैट है, बहुत सारा कार्ब्स है, ये सब एकदम कट डाउन कर दो, ऐसा भी नहीं किया। स्टिल मैंने वो जो मेरा वेट था मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी से पहले दैट वॉज 62, बट अब मैं आ गई हूँ 59 kg पे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि डिलीवरी मेरी हुई थी 88.7 kg पे और अब मैं आ चुकी हूँ मेरे पुराने वाले वेट, या फिर बोलूंगी कि उससे भी अच्छा नंबर है जो मैंने अचीव कर लिया है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद वेट लॉस आखिर करना कैसे है, इजी स्टेप्स में, बिना जिम में पैसे खर्च के, बिना योगा एंड एक्सरसाइजेस के, एंड बिना कोई स्पेशल डाइट के, और हमारी पुरानी वाली जो बॉडी की शेप थी उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने मेरी वेट लॉस स्टोरी, जो कि पोस्टमार्टम के बाद की कहानी थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है सिंपल सी लैंग्वेज में। आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आप हैं न्यू मॉम या फिर आप डिलीवर करने वाली हैं और आप अपनी डिलीवरी को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, डिलीवरी से ज्यादा आपका जो वेट आपने गेन कर लिया है 15-20 kg वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, उसके बारे में आप टेंशन ना लें। जनरली लेडीज इसी की टेंशन लेने लगती हैं कि यार हमने इतना वेट पुट ऑन कर लिया, अभी तक हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन अब डिलीवरी के बाद कैसे कम होगा ये सोचने लग जाती है और यहीं से जो उनका स्ट्रेस लेवल है ना ये बढ़ने लगता है। तो आपको वर्क करना है आपके इसी स्ट्रेस पर, किसी भी तरीके से आपको वेट के बारे में, आपकी बॉडी शेप के बारे में, या फिर कोई भी और चीज जो आपको हर्ट कर रही है आपकी बॉडी को लेकर के, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी ये जो डिलीवरी की बाद की प्रोसेस है, आपके बेबी के साथ में मदरहुड की जो जर्नी है, इसे आपको एंजॉय करना। आप जितना खुश रहोगे, जितना एंजॉय करोगे, जितना इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहोगे ना, उतना ही बेहतर तरीके से आप अपने पुराने शेप में आ पाओगे। डॉक्टर्स हमेशा ही हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड हमारे बेबी को देना है और डिलीवरी के सेकेंड या फिर फर्स्ट डे से ही हम जो ब्रेस्ट फीड है बच्चे को देने लग जाते हैं, जैसे कि आता है, अदरवाइज एक्सप्रेस करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इजेंशियल होता है हर माँ के लिए जो कि वेट लॉस करने की इच्छुक है या फिर अपनी पुरानी शेप में जाना चाहती है। 7 से 8 महीने अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं अच्छे से एक्सक्लूसिवली, आपका जो ओवरऑल बॉडी का वेट है ये इक्वली कट डाउन होता जाता है और आपकी बॉडी कंट्रोल होती जाती है, ऊपर से नीचे तक आपका जो वेट है जिस तरीके से आपने गेन किया है वो अपने आप ही कम होता जाता है। अब उस केस में क्या करें जहां पर कि हम ब्रेस्ट फीड नहीं दे पा रहे हैं किसी रीजन से, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको सिर्फ आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल रूटीन जो चल रहा था अभी तक, आप जो भी चीज करते आ रहे थे उसको ही फॉलो करते रहना है और फॉलो करते जाना है, उससे बीच में स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि यही जो लाइफस्टाइल रूटीन था आपका मॉर्निंग से लेकर के रात तक, यही स्टेप बाय स्टेप रूटीन ही आपको आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। अब डिलीवरी के बाद वेट लॉस करने के लिए आपको जिम जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिम में इतने सारे पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा योगा एक्सरसाइजेस और जो भी चीजें बताई जाती है वो सब भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। डजंट मैटर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, सी सेक्शन डिलीवरी है, पहले तो आपको पूरा 6 वीक 40-45 डेज जो कि रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, ये पूरा समय आपको रेस्ट करना है अच्छे से, क्योंकि अगर आपने इन दिनों में एसेंशियल पीरियड जो होता है रेस्टिंग का, डिलीवरी के बाद आपने रेस्ट नहीं किया, आपने अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन नहीं दिया, नरिशमेंट नहीं दिया जो कि बॉडी की नीड है, आपने इतना सब कुछ कलेक्ट किया था प्रेगनेंसी में, आपकी बॉडी से एक बड़ा सोर्स आपके बच्चे को गया, बच्चा अभी बाहर आ चुका है, बहुत सारा ब्लड लॉस भी हुआ है, सो ऐसे में भी आपको रेस्ट की नीड है, बहुत सारे विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है आपकी बॉडी को जो कि आपको चाहिए, और इस वक्त आप रेस्ट करें और इन सभी चीजों पर ध्यान दें। यहाँ अगर आपने ये कमी कर दी तो आने वाले 3 से 4 महीनों में 5 महीनों में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है वो आने लग जाएंगी, और फिर धीरे धीरे मोटापे से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ने लग जाती है। 6 वीक कंप्लीट हो चुका है, हमारा बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 1.5 महीने का पूरा हो चुका है, और अब हम फोकस कर सकते हैं हमारे डेली रूटीन पर जो हम पहले कर रहे थे। अभी तक हमारी काफी हीलिंग भी हो चुकी है, अगर आपको स्टिचेस आए थे, एपिसियोटोमी हुई थी आपकी, या फिर आपको सी सेक्शन हुआ था, तो अब वो काफी हद तक हील हो चुका होगा या फिर पूरी तरीके से हील हो चुका होगा, डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल पर और आपने किस तरीके से मैनेज किया है। तो अब आप जो सिंपल सी बेसिक
चीजें होती हैं, घर के काम होते हैं आपके और रूटीन वर्क होता है, या फिर आप कोई एक्सरसाइज फॉलो करना चाहते हैं, कीगल्स हो गए, ये आपकी वजाइना को स्ट्रेंथ देने के लिए होता है, कैट एंड काउ आपकी टमी एंड बैक सपोर्ट को स्ट्रेंथ देने के लिए होता है, एंड पेल्विक फ्लोर जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसे सपोर्ट देने के लिए, ये वाली जो एक्सरसाइज होती है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ये करना होता है और ये डॉक्टर्स हमें रिकमेंड भी करते हैं। अब इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए आप कोई भी वक्त कोई भी टाइम डिसाइड कर सकते हो, मॉर्निंग से लेकर के रात तक, ऐसा नहीं कि सुबह ही करना है, शाम को या रात को ही करना है। बस अगर आपने खाना खा लिया है तो उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद ही आप ये सारी एक्सरसाइजेस फॉलो करें। इन बेसिक एक्सरसाइजेस से होता क्या है कि आपकी थाइज में अभी तक बहुत क्रैम्पिंग हो रही थी, बैक में क्रैम्पिंग हो रही थी, स्पाइन में दर्द होता रहता था और शोल्डर में पेन हो रहा था, पूरी बॉडी में थकान हो रही थी, अकड़न हो रही थी, तो इन एक्सरसाइजेस से आपको आराम मिल जाता है। एंड ऑल्सो आपकी बॉडी अभी जो थोड़ा सा स्टक फील कर रही थी ना, जॉइंट्स में स्टक फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत सारा पेन है, चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है ओवरऑल बॉडी में। और इसे अगर आप रेगुलरली करते हैं, 3 से 4 हफ्ते भी अगर आपने रेगुलरली कर लिया, ट्वाइस इन अ वीक और थ्राइस इन अ वीक भी, तो भी आपको बहुत आराम मिल जाता है। इन एक्सरसाइजेस को आप फ्लोर पे भी कर सकते हो, आप बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हो, चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इन एक्सरसाइजेस को करने में। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं यार हम खाना नहीं खाएंगे, हम फैट नहीं खाएंगे, हम घी नहीं खाएंगे, हम पनीर नहीं खाएंगे, हम दही नहीं खाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, और हम कुछ नहीं खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपको कुछ नहीं खाना है तो आप पतले हो जाओगे, चाहे रात का टाइम है, चाहे दिन का टाइम है, चाहे सुबह का टाइम है, आपको खाना है। और डिलीवरी के बाद तो आपको खाने पर बहुत ध्यान देना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको अपने जो मील है आपकी प्लेट है उसमें आपको हर तरह की चीजें आपके मील में इंक्लूड करना है, आपको कार्बोहाइड्रेट भी इंक्लूड करना है, आपको प्रोटीन भी इंक्लूड करना है, आपको विटामिंस भी इंक्लूड करना है, आपको जो खट्टे फल होते हैं साइट्रस फ्रूट होते हैं वो भी इंक्लूड करने हैं, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल आप जरूर खाएं, और हर तरह की चीजें अपने प्लेट में इंक्लूड करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि दिन में एक मील जो है वो आप पूरा खाएं, सारी चीजें उसमें इंक्लूड करी हों, फाइबर ज्यादा से ज्यादा खाएं, फाइबर यानी कि जिन भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में फाइबर सोर्स ज्यादा होता है उसे एक बाउल आप जरूर कंज्यूम करें दिन में एक बारी। पूरा खाना नहीं बना पा रहे, नहीं खा पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा दिन में आप जितना भी खाना खा रहे हैं, जितनी बार भी खा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके पूरे दिन में इंक्लूड हो जानी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी अभी कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है, पहले भी वर्क कर रही थी, अभी भी कर रही है, और आपकी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी एंड नरिशमेंट की डिमांड है जो कि इन सारी ही चीजों से, इन सभी एलिमेंट से पूरी हो जाएगी। पानी के साथ ही साथ अगर आप आपका रेगुलर वाटर है उसे ल्यूक वार्म वाटर से रिप्लेस कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स हो जाता है आपके बॉडी से एक्स्ट्रा वेट को कट डाउन करने के लिए। मैंने भी यही किया था, ज्यादा पानी नहीं पीती थी, ठंडा पानी नहीं पीती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि सिंगल चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि रेगुलर बेसिस पे सिर्फ मैं ल्यूक वार्म वाटर ही पी रही थी। अब देखो गर्मी का टाइम है और इस वक्त जो डिलीवरी होती है उसमें ल्यूक वार्म वाटर गर्म पानी पीना यार बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन कोशिश करो अगर आप कर सकते हो तो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप गुनगुना पानी नहीं पी पा रहे हैं, डेली एक कप या फिर एक ग्लास पीना है काढ़ा जिसमें आप जीरा का इस्तेमाल करेंगे, अजवाइन, मेथी और सौंफ का भी इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों ही चीजों को आपको मिला करके पानी में बॉइल कर लेना है अच्छे से, और इसका एक्सट्रैक्ट आने के बाद में जब पानी का कलर थोड़ा सा डार्क येलो हो जाता है तो आपको ग्लास में निकाल लेना है, कप में निकाल लेना है और फिर इसे पीना है। तो ये आपको डेली पीना होता है। मैं यहाँ पर रेशियो आपको मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे जिससे कि आपके लिए ये आयुर्वेदिक काढ़ा जो है ये बना पाएंगे। मुझे बहुत हेल्प किया और मैंने जितने भी लोगों को ये सजेस्ट किया उन्हें भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा। इसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम दोनों जगह शेयर करी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बॉडी का वेट तो समहाउ रिड्यूस हो ही जाता है, लेकिन हमारा जो फेस इतना ज्यादा सा चबी हो गया है और हमारा जो टमी है इतना बल्ज आउट हो रहा है, इसको हम कैसे टोन करें? जो टमी होता है कुछ लकी लेडीज का बहुत ही जल्दी टोन हो जाता है, अंदर चला जाता है, लेकिन बाकी सबके केसेस में ये जो लूज बेली है ये एज इट इज रह जाता है। सिर्फ आप इसका जो एक्स्ट्रा फैट है जो ये काफी निकला हुआ है, जो फूला हुआ है, इसे आप कम कर सकते हैं। तो आप जितना ज्यादा बेली सपोर्ट बेल्ट को पहन करके रखेंगे उतना ही आपको सपोर्ट भी मिलेगा और बेली को वापस से अपनी पोजीशन में जाने में टाइम लगेगा। देखो हमारा यूट्रस है अभी पूरा प्रेगनेंसी में वो स्ट्रेच हो गया था और बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, यूट्रस को उसकी पोजीशन में वापस जाने में कम से कम 6 वीक का टाइम लगता है, उसके पहले तो नहीं जाता और स्लोली जाता है यूट्रस अपनी पोजीशन पर वापस। कई सारी लेडीज में क्या होता है कि जो यूट्रस ऐसा बढ़ा हुआ होता है ना,
ये बढ़ा ही रह जाता है और बहुत ही कम सक हो पाता है। तो इसे जल्दी से जल्दी उसकी पोजीशन पे लाने के लिए ही हम बेली सपोर्ट बेल्ट पहनते हैं, जिससे कि झुकी हुई जो हमारी बेली है उसको सपोर्ट भी मिलता है, ओवरऑल एब्डोमेन को सपोर्ट मिलता है, यूट्रस को सपोर्ट मिलता है और यूट्रस बहुत ही आसानी से अपनी जगह पर वापस जा पाता है। फिर भी 6 वीक का टाइम लगता है। अगर आप और भी ज्यादा फ्लैट लुक चाहते हैं आपके टमी पे, तो टमी की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं, कई सारी हैं, मैं शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो वो एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इन एक्सरसाइजेस को आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है बिना एक भी दिन स्किप किए। तो अगर आपकी ऐसी नीड है कि आपको आपके टमी को बिल्कुल सक करना है, बिल्कुल फ्लैट करना है, तो आप उन एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं। टमी को फ्लैट करने के लिए कोई भी और चीज काम नहीं देती है, सिर्फ ये एक्सरसाइजेस ही काम देती हैं। और ये सारे एलिमेंट जो मैंने आपको बताए हैं आज इस वीडियो में, ये कॉम्बिनेशन बना देते हैं और ये पूरा कॉम्बिनेशन ही आपको हेल्प करता है आपके बॉडी से एक्स्ट्रा फैट जो आपने गेन किया था उसे रिड्यूस करने में। अब कुछ लेडीज यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं, पर होता क्यों नहीं है हमारा वेट लॉस? तो यहाँ पर रीजन सिर्फ एक ही है कि आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, आप ये और वो साथ में नहीं कर रहे हो। तो जब आप ये पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे ना, सो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको हेल्प जरूर मिलेगी और आपकी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे ये भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पोस्टपार्टम वेट लॉस से जुड़े हुए सारे एलिमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, हमने जाना एक्सरसाइज के बारे में, हमने जाना मील प्लान के बारे में, हमने जाना क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड ऑल्सो टमी को किस तरीके से सकिंग करना। तो ये चारों ही चीजें आपको फॉलो करनी है जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये जो तो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ ना, इन्हें देखना मत भूलिएगा।